बेहतर सुविधाएं उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानक महत्वपूर्ण विक्रमादित्य सिंह। बद्दी में विश्व मानक दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह आज सुरन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। मानक हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतरी प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मूल्यों के जीवन में अपनाएं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मानक अहम भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण आवश्यक है और इसके प्रति जागरूकता लाना नितांत आवश्यक है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि आज विश्व मानक दिवस है और ये दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्वपूर्ण के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि मानकों के तकनीकी लाभ हैं और इससे उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इनमें जुड़े उद्योगों को अधिक कुशल बनाने में सहायता मिलती है। आज के प्रतियोगी समय में मानक न केवल उत्पादों को श्रेष्ठ बनाते हैं अपितु जन जन को बेहतर सेवाएं प्रदान कर एक सुरक्षित और समाज के निर्माण में भी उपयोगी भूमिका निभाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मानक के माध्यम से आज पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रोजमर्रा के जीवन से लेकर उच्च स्तर तक उपयोग में लाई जा रही प्रत्येक वस्तु एवं तकनीक स्थापित मानकों के कारण ही बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं, उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बद्दी रोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे सरसा पुल, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल बद्दी तथा 0.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटी वाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं, उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। किस तरीके से वो नए इनिशिएटिव्स, उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बद्दी रोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है।
अगर हम बात करें, उन्होंने तो कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे सरसापुर, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल बद्दी तथा 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटी वाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। देश को कोई नुकसान न हो। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं, उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। इसके लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सतत प्रयासरत है। घोषित करने के लिए भी मैंने उन्होंने कहा कि बद्दी रोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। और मुझे ये उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे सरसापुर, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल बद्दी तथा 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटी वाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। इस इलाके की निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं, उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। शुरू होने वाला है। उसमें लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बद्दी रोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। और हमको इसमें उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे सरसापुर, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल बद्दी तथा 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटी वाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। शिवराज सिंह जी, उनसे हम मिलेंगे। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं, उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन सड़कों को जोड़ने का काम किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। PMJSY4 को उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कों की। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। सड़क बहुत महत्वपूर्ण। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सतत प्रयासरत है। पूरी मजबूती से उन्होंने कहा कि बद्दी रोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे सरसापुर, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल बद्दी तथा 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटी वाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। मगर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं, उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। CSR के माध्यम से विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं,
उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको जानकर खुशी होगी, विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। मानक ब्यूरो लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बद्दी रोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, उन्होंने कहा कि 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे सरसा पुल, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल बद्दी तथा 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटीवाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। 20 वर्षों से लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं, उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लगभग 2000 इंडस्ट्रीज यहां पे। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मानक हम सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आयु बढ़ाने और पृथ्वी पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में स्थापित मानक विशेष भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापित मानक सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा परखे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनाया जाता है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा